बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे इतिहास की। जी हाँ, इतिहास का जो सवाल है वो बहुत सारे परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। इतिहास की अगर बात करें तो यूपीएससी की परीक्षा जो भी लोग दे रहे हैं उन्हें तो इतिहास के बहुत सारे सवालों से गुजरना पड़ता है। और एक बात और है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल से लेकर जो है वो कॉलेज तक के तमाम परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इतिहास का सवाल आता ही है। और वो इतिहास जो लिखा गया है उस पर हमेशा बात होती है। एक अक्सर आरोप लगाया जाता है, बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की जाती है दलित समाज द्वारा, कि दलित समाज कहता है कि बहुत सारा हमारा इतिहास छुपा दिया गया, लिखा ही नहीं गया। कई बार ये भी बात आती है कि गलत इतिहास लिखा गया है। कई जो घटनाएं हैं जो बहुत पहले हुई हैं उनकी सन और बहुत सारी चीजें याद भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर देखते हैं तो हाल ही में एक सवाल, इतिहास का ही एक सवाल आया था जो बहुत बड़ा शो है, जिसमें सवालों के जवाब देने पर पैसे और बहुत सारे इनाम मिलते हैं। तो वो सब कौन बनेगा करोड़पति नाम का जो ये शो है जिसको होस्ट करते हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि 1927 में 25 दिसंबर के दिन कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ जलाया गया था। चार ऑप्शन दिए गए थे और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन था मनुस्मृति। और मनुस्मृति का जवाब जो बहुत ही मतलब सटीक जवाब दिया था वहां जो प्रतिभागी थे उन्होंने, इसके बाद जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हुआ ये कि हिंदू परिषद और तमाम हिंदू जो संगठन है उनमें से ये बवाल हो गया और उन्होंने इस शो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। कहा गया कि ये सवाल क्यों पूछा गया। बात यहाँ पर आती है कि इतिहास का सवाल था, इतिहास का सवाल पूछा गया, इतिहास के सवाल का सटीक जवाब दिया गया, उसके बाद फिर आखिर बवाल क्यों हुआ, इस पर हमें चर्चा करनी है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक भंवर मेघवंशी जी। आप राजस्थान से हैं। मेघवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जय भीम। थैंक यू। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इतिहास को नकारा गया है अभी हाल ही में, अभी हम कह सकते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ होगा, जो वास्तविक इतिहास है जो किसी के खिलाफ जाता है, जो किसी की वास्तविकता को उजागर करता है। हो सकता है कि उसको उस वक्त लिखा नहीं गया और बहुत सारा इतिहास छुपाया गया, जिस तरह से आज इतिहास का सवाल करने पर बवाल किया जा रहा है, उस शो के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है, तो ऐसा तो पहले भी हुआ होगा फिर। मैं आपसे आपने जो कहा कि बहुत सारे दलित समूहों की तरफ से ये कहा जाता है कि इतिहास को लेकर के छेड़छाड़ की गई या इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया या लिखा ही नहीं गया, मुझे लगता है कि इन सब बातों में सच्चाई है। जी क्योंकि आप इतिहास को देखेंगे तो दरअसल इतिहास विजेताओं का इतिहास है, सक्षम लोगों का इतिहास है। इतिहास उनका है जो जीत गए हैं, जी और जो पराजित हो गए, जो हार गए, जो पहले से ही वंचित और कमजोर लोग थे, उनका तो वैसे भी क्या इतिहास होगा। जी आप देखेंगे कि तमाम इतिहास में सेठों की कहानियां हैं, मजदूरों की कहानियां कहाँ हैं, सेठ कौन सा काम करते हैं, राजाओं की कहानियां हैं, जैसे तमाम युद्ध राजा ही लड़ते हों, सैनिक लड़ते ही नहीं हों। जी जी सारा इतिहास का जो लेखन हुआ है वो सदैव ही पक्षपातपूर्ण तरीके से हुआ है। जी 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 और ये रहा भी है कि इतिहास मिटाने से विभिन्न समुदाय धीरे धीरे अपना स्वाभिमान उनका कमजोर होता जाता है और वो एक गुलाम की परिस्थिति में चले जाते हैं। जी बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए चेताया भी था कि जिन समाजों, जिन कौमों का जो इतिहास नहीं जानते हैं वो इतिहास बना नहीं सकते हैं। वाकई तो इतिहास को लेकर के ये चेतना बहुजन आंदोलन में काफी समय से आई है और उन्होंने अपने इतिहास को पुनर्निर्मित किया है, पुनर्संकलित किया है और एक तरीके से वापस रखा है। क्योंकि दो परंपराएं भारत में रही है, ब्राह्मण संस्कृति जो ब्राह्मण परंपरा है, जो लिखित परंपरा रही है, जी शास्त्र लिखे गए, इतिहास लिखा गया। दूसरी श्रमण की परंपरा रही है, जहां
भ्रमण और श्रमण का काम चला है, जहां ज्यादातर लोग घूमते रहे और कंठस्थ करते रहे चीजों को और एक दूसरे को सुनाते रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें श्रावक श्राविकाएं श्रमण और महाश्रमण की पूरी पद्धति है। तो जो मौखिक इतिहास था तो ओरल हिस्ट्री को लिखित इतिहास के मुकाबले में सदैव कमजोर माना गया। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि आजादी के बाद में और खास तौर पे दलित पैंथर का आंदोलन और उसके बाद में जो पूरा बहुजन मूवमेंट आया, उसके बाद में इतिहास लेखन आगे बढ़ा और लोगों ने अपने इतिहास को समझा और फिर से लिखा। जी 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 जी। तो जो भी चीजें हैं अब वो इतिहास में दर्ज हैं। जैसे आपने जिस घटना का जिक्र किया 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति का दहन किया, और ये ऐतिहासिक सच्चाई है, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये इतिहास में दर्ज है कि एक जो सत्याग्रह था उस सत्याग्रह के दरमियान बाबा साहब अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति को ये मानते हुए कि ये स्त्री और शूद्रों के विरुद्ध सबसे जहरीला ग्रंथ है और इसकी प्रतियां जला करके प्रतीक के रूप में उन्होंने एक तरीके से उनको नकारा। उस समय के तमाम समाचार पत्रों में खबरें छपी, इसकी आलोचना भी हुई और काफी कुछ बवाल भी हुआ, मुकदमा भी हुआ। लेकिन जलाया गया तो जलाया गया, वो बात सही है। और उस ऐतिहासिक दिन को आज भी भारत का जो नारीवादी आंदोलन है 25 दिसंबर को स्त्री मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। जी जी जी। और पूरे देश में भी मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी इसको याद किया जाता है। तो मैं नहीं सोचता कि ये जो इतिहास है इसका सवाल पूछ लेने से क्या दिक्कत हो जानी चाहिए। जी। ये तो लिखित में सारी चीज है, सच्ची घटना है, और सच्ची घटना के बारे में एक सवाल पूछा गया, वो सवाल पूछने मात्र से अगर कोई लोग कहते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो गई, तो भावनाएं दरअसल आहत किनकी होनी चाहिए? उनकी होनी चाहिए जिनका जिनके बारे में मनुस्मृति में इतना गंदा लिखा गया, इतना घृणित लिखा गया, इतना कट्टरपंथी और वर्णवादी विचार उसमें है, स्त्री और शूद्रों को इंसान भी नहीं माना गया जिसमें, उनकी भावनाएं आहत होनी चाहिए, बजाय कि उनकी भावनाएं आहत होने के एक जो ऐतिहासिक गलती या गलत किताब लिखी गई और जो प्रचलन में समाज में आई, उस गलती को एक तरीके से ठीक करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया, उस बात को अगर केवल याद किया जा रहा है या एक सवाल के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि आरपीएससी के एग्जाम हो या तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो या कोई भी परीक्षाएं हो, उन सब में सवाल पूछे जाते हैं और ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं, युद्धों के सवाल पूछे जाते हैं, हार जीतों के सवाल पूछे जाते हैं, आंदोलनों के सवाल पूछे जाते हैं। तो दिक्कत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए इस सवाल को लेकर के। ये सवाल है और अच्छी बात है कि केबीसी जैसे एक लोकप्रिय प्रोग्राम में ये सवाल पूछा गया और उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया हुई उसका तो जो नतीजा होगा होगा, लेकिन इस सवाल ने एक बार फिर से बाबा साहब ने जो सवाल खड़ा किया, उस सवाल को जो लोगों ने हाशिए पर धकेल दिया, मुझे लगता है कि वो हाशिए पर जो सवाल है वो वापस पृष्ठभूमि का सवाल बनने जा रहा है। बड़ी अच्छी बात। और शायद इसी बात का डर है और इसी बात की वजह से शायद ऐसी प्रतिक्रिया आई है कि FIR और तमाम सारी चीज़ें, या हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ हो कि हमने गलत कर दिया FIR लॉन्च करके, इस तरह से दायर करके, क्योंकि ये अब चर्चा में आ गया और चर्चा में आने से बहुत सारी परतें खुलती भी हैं। कोई भी घटना जब चर्चा में आती है तो उसका इतिहास और तमाम सारी चीज़ें फिर खुलने लगती हैं। तो अब तो ये चर्चा में आ गया और बहुत जल्दी हम अगले महीने फिर से इस बार मतलब बहुत बड़े पैमाने पे अब तो होने लगा है कि 25 दिसंबर को सारे लोग फिर से मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को की प्रतियां जलाते हैं एक बार फिर से उस घटना की याद करते हुए। तो ये एक बार फिर से जीवित हो गया वही सवाल। और हम अगर देखते हैं तो अभी जो वर्तमान में भी बहुत सारी घटनाएं चली आ रही हैं, उन घटनाओं में भी कहीं ना कहीं वो मनुस्मृति की याद फिर हो आती है, क्योंकि चाहे वो उत्पीड़न का सवाल हो दलितों का के साथ में, या फिर बहुत बड़ी संख्या में जो अभी बलात्कार और बहुत सारी जो चीजें होती रही हैं, ये एक बार फिर से वो सारी चीजें होने लगती हैं, तब फिर उसका सवाल भी आने लगता है, वो फिर से याद आने लगती है वो सारी बातें। तो कहीं इसी बात का डर तो नहीं है? निश्चित रूप से डर वही है। देखिए डर वही है कि जो
इनके कथित धर्म ग्रंथों में, पवित्र ग्रंथों में जो बकवास लिखी हुई है, जो अतार्किक बातें लिखी हुई है, और जो मानव के प्रति घृणा वैमनस्य का जो भाव और जिस तरह की व्यवस्था और उस संहिता बनाई गई है, वो कितनी अमानवीय हो सकती है, वो आज के जमाने में, आज की दुनिया में सामने आए तो वो कोई भी उसको सुनकर के हैरत में रह जाएगा कि कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी ने अगर कोई धर्म ग्रंथ का पाठ कर लिया तो उसकी जीभ काट ली जानी चाहिए, या कोई बराबरी में बैठ गया तो उसके पिछवाड़े को काट लिया जाना चाहिए, या फिर किसी के कानों में वेदों के मंत्र पहुंच जाए तो सीसा गोंद देना चाहिए। ये तो कुछ बातें हैं, उसके अलावा भी कितनी सारी चीजें, अगर आप मनुस्मृति का 9वां, 10वां, 11वां अध्याय देखेंगे जो स्त्रियों और शूद्रों के बारे में सर्वाधिक घृणित बातों को से भरा हुआ है, तो उसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि कितने निर्मम, क्रूर और अमानवीय लोग रहे होंगे जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, जी, और जिन पर ये लादा गया उन्होंने कितना भुगतना होगा उन सारी व्यवस्थाओं को। तो आज जब उनका अमानवीय चेहरा बाहर आ रहा है, उनके कथित सहिष्णु और महान धर्म का, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये बाहर आए, वो छुपाना चाह रहे हैं सारी चीज को। तो मतलब वही बात हो गई ना, इतिहास छुपाना चाह रहे हैं। आपके छुपाने से कुछ छुपेगा नहीं ना, ये तो सच है। और अगर आप में इतनी इंसानियत है तो होना तो ये चाहिए था कि बजाय कि इस तरह की चीजों पर प्रतिक्रिया करने के या FIR दर्ज करने के, हिंदू समाज ये कहता है कि हम मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को बैन करते हैं, अपने समाज से रिजेक्ट करते हैं, अपने धर्म से रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे हमारे धर्म में इस तरह के ग्रंथ रहने चाहिए, हम इसको नकारते हैं। नकारने के बजाय उसके पक्ष में खड़े होना और उस पर बात करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करना, ये बताती है कि आज भी उनके मन में घृणा वही है और आज भी मनुस्मृति उनको प्रिय है, न कि मनुष्य प्रिय है। और आप देखिएगा कि अभी भी हमारे यहाँ राजस्थान में, जहाँ जिस राज्य में मैं रहता हूँ, वहां तो हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, जी, उस प्रतिमा को हटाने के लिए लंबा आंदोलन चल रहा है, लोग निरंतर उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन मनु की प्रतिमा न्याय के कथित मंदिर के अंदर है और बाबा साहब अम्बेडकर वहां हाईकोर्ट के बाहर चौराहे पर हैं। तो आप कानून के निर्माता को बाहर धकेल देते हैं और अमानवीय संहिता बनाने वाले व्यक्ति को आप अंदर प्रतिस्थापित करते हैं, ये दिखाता है कि आपका क्या रवैया है। आज भी वंचित, दलित, स्त्री और जितनी भी ये जमातें हैं उनके प्रति, वाकई 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 वाकई। और इस पर इस तरह की प्रतिक्रिया आने के बजाय होना तो ये चाहिए था कि आखिर उस ग्रंथ को क्यों जलाया गया उस वक्त, इस पर विमर्श होना चाहिए था, इस पर विचार विमर्श होता, इस पर लोग बात करते, इस पर गहन अध्ययन करते। बल्कि कई बार तो होता है कि कई बार बिना जाने भी लोग किसी चीज का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि परंपरा या किसी ने कह दिया कि इसको ये इसका विरोध करना है इस प्रकार की चीजों का। तो जैसा OBC ने बहुत लंबे समय तक मंडल आयोग का विरोध किया, वो उन्हें पता ही नहीं था कि वो उनके हित में है, तो ऐसा ही कहीं इस ग्रंथ के बारे में भी है। जिन्हों जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें भी एक बार पढ़कर देखना चाहिए, समझ कर देखना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से वो भी जलाएंगे, जैसा कि महापात्रा जो गायिका है उन्होंने भी ये बात कही, सोना महापात्रा ने, कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी इसको जला दूं। निश्चित रूप से देखिए, मैं हम लोगों ने कुछ साल पहले एक राजस्थान के एक गांव में एक एक प्रतियोगिता जैसा एक एक प्रयोग किया। हमने दो ग्रुप बनाए रेंडमली, सब तरह के, सब जाति समुदाय के लोगों का, उसमें स्त्री पुरुष भी थे, सब अंधल दलित सब लोग थे, और एक ग्रुप को भारत का संविधान दिया और एक ग्रुप को हमने मनुस्मृति दिया। और हमने कुछ सवाल पूछे कि समानता पर आपकी किताब क्या कहती है, या औरतों पर क्या कहती है, सबको शिक्षा पर क्या कहती है, संपत्ति रखने पर क्या कहती है। जी। आपको ताजुब होगा कि दूसरे वाले ग्रुप में जो लोग थे उनकी अंत में प्रतिक्रिया यही थी, हालांकि वो अपना एक एक डिबेट जैसा था, तो वो एक समय में वहां डिबेट करते वक्त मनुस्मृति के पक्ष में बात कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा कि अच्छा किया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको जला दिया था, अगर हमें मौका मिलता तो हम जला देते। और उसमें सभी प्रकार के लोग थे,
ऐसा नहीं था कि केवल डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी लोग थे, उसमें सवर्ण भी थे, उन्होंने भी कहा कि इतनी गंदी बातें लिखी हुई है क्या इसमें। दरअसल उन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं, तो जब उन्होंने पढ़ा खुद ने और उसका भावार्थ समझा तो उनको लगा अरे ये कैसे संभव है, ये कोई बात है क्या, ऐसा भी होता था क्या। तो आप जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी सहमति रखता हूं कि होना यही चाहिए था कि लोग इसको पढ़ते और इसके बारे में बात करते कि क्या ऐसा ग्रंथ था जिसको जलाने की जरूरत पड़ गई थी उस समय में, और क्यों इसको जलाया गया और क्यों ये हमारे समाज में या हमारे देश में नहीं होना चाहिए ऐसा एक ग्रंथ या संहिता। लेकिन उसके बजाय आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो वाकई वाकई इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर इस पर हम प्रतिक्रिया किस तरह से करें, सोच समझकर करें या यूं ही करें। इस पर वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके बाद भंवर जी, मैं एक बात, हाल ही की एक और घटना जो कल ही हुआ है कि एक पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी की वजह अगर हम देखते हैं तो 2 साल पहले का एक मामला है जिसमें उन्होंने अपने स्टूडियो का इंटीरियर डिज़ाइन करवाया और उसके बाद उस डिज़ाइनर को जो उसका पैसा था, जो बनता था, उसकी जो फीस बनती थी 5 करोड़ से अधिक का मामला था, वो उन्होंने नहीं दी और उससे परेशान होकर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तब उसने खुदकुशी कर ली। और अपने खुदकुशी करने के बाद जो पत्र लिखा, खुदकुशी करने से पहले जो नोट है, सुसाइड नोट, उसमें बाकायदे उन्होंने उस व्यक्ति का नाम लिखा जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की थी। अब उस वक्त जब मामला दर्ज हुआ, उस वक्त जो सरकार थी उसने उस मामले को दबा दिया, छुपा दिया और पीड़ित को न्याय नहीं दिया। अब सरकार ने उसी मामले को खोल दिया। मामला यहां पर ये नहीं आ रहा है कि किस वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई। यहाँ पर गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री और तमाम बड़े बड़े मंत्री जो हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से दे रहे हैं कि ये पत्रकारिता के लिए बहुत काला दिन है और पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए या पत्रकारिता अब करना मुश्किल है या इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई है। क्या आपको इसको किस तरह से लेते हैं? आप भी एक पत्रकार हैं। अगर ये गिरफ्तारी पत्रकारिता की वजह से होती, लेखन की वजह से होती और वो अपनी जर्नलिज्म करते हुए या अपना कर्तव्य निभाते हुए उनको ऐसा किया जाता तो मैं निश्चित रूप से इसको निंदनीय घटनाक्रम मानता और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला मानता, या जो कहा जा रहा है कि आपातकाल जैसा हो गया है और ये अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है, मैं भी उस जमात में खड़े होकर के उनके पक्ष में बात करना पसंद करता। लेकिन आप पत्रकार हैं, इसका मतलब आप सर्वशक्तिमान नहीं है और आप कानून से ऊपर नहीं है। कानून इस देश का आप पर भी लागू होता है, राष्ट्रपति पर भी लागू, सब आम आदमी पर भी लागू होता है। आपने अपने यहां काम करवाया, उसका भुगतान नहीं दिया और उसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आपका नाम लिखा, सीधे सीधे तौर पर ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप एक आपराधिक कृत्य करते हैं और फिर अपनी पोजीशन का लाभ लेते हुए सरकारों को प्रभावित करके, जांच को प्रभावित करके और उस मामले को ठंडे बस्ते में डलवा देते हैं या आप जांच से बाहर निकल आते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये एक सक्षम व्यक्ति का पत्रकारिता के पवित्र पैसे का दुरुपयोग करते हुए आम नागरिकों के खिलाफ किया गया ऐसा अपराध है जो कतई क्षम्य नहीं है, अक्षम्य अपराध है, क्योंकि आप सक्षम थे और आपने अपनी पोजीशन का बेजा इस्तेमाल किया। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये सच्चाई सामने आ गई तो इस देश को खड़े होना चाहिए था उस व्यक्ति के खिलाफ और ये कहना चाहिए कि ये व्यक्ति पत्रकारिता की खाल ओढ़े हुए ऐसा व्यक्ति है जो दुरुपयोग कर रहा है पत्रकारिता का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, हमारे लोकतंत्र में दिए हुए अभिव्यक्ति के अधिकार का, और इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जिन लोगों के ने अपने परिजन खोए हैं उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बजाय ये करने के हम एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़े हो गए हैं जो व्यक्ति पत्रकारिता की वजह से नहीं बल्कि एक अपराध करने की वजह से पकड़ा गया और गिरफ्तार हुआ। और इसके अलावा भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो सज्जन हैं वो, उनका पत्रकारिता क्या है, वो भी एक सवाल है। जिस तरीके से वो नफरत फैला रहे हैं, जिस तरीके से इस देश के दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों
कमजोर जमातों के खिलाफ उस सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के लोगों को दबा रहे हैं, आप उसको पत्रकार कहेंगे? मैं सोचता हूं कि मीडिया में जो ये इस किस्म के लोग आ गए हैं, ये मीडिया नहीं है, ये एक नए किस्म का माफिया है जो घुस गया है और उसका इस्तेमाल कर रहा है आम जनता को दबाने के लिए। अभी आप हाथरस के मुद्दे में आप देखिएगा, मनीषा के मामले में किस ढंग से उन्होंने ये सारी की चीज की। दिन भर आप नफरत फैला रहे हैं, दिन भर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दिन भर आप दलितों वंचितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाते फिर रहे हैं। जी 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 आप, मैं तो कह रहा हूं कि ये एक अपराध नहीं है बल्कि उन सज्जन के इतने सारे अपराध हैं कि उनको अपना बाकी का सारा जीवन जेल में रहना चाहिए, उससे वो भी कम होगा। वाकई वाकई, और सचमुच में अगर ये देखा जाए तो जिस प्रकार की प्रतिक्रिया विशेष राजनीतिक दल सत्ता पक्ष की ओर से आ रही है, ये ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उनका एक कार्यकर्ता या कि उनका प्रवक्ता जो है वो पकड़ लिया और उसके बाद फिर उनके इस तरह से बयान आ रहे हैं। निश्चित रूप से गांव की छोटी छोटी राजनीति की तरह से ये नजर आ रहा है। जब किसी राजनीतिक दल का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता होता है और वो सड़क पर एक्सीडेंट कर देता है या कोई गलती कर देता है, तो उसको जिस तरह से वो वहां का विधायक या सरपंच जो है वो छुड़ाने थाने तक पहुंच जाता है, कुछ उस प्रकार की प्रतिक्रिया नजर आई। ये कुछ कुछ बुद्धिवादी या यूं कहें कि मतलब एक मैच्योर्ड व्यक्ति की प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई, क्योंकि इस तरह से प्रतिक्रिया आना वाकई दुर्भाग्य है। हाँ, वो तो देखिए शर्मनाक है। एक पार्टी को क्यों ऐसे खड़ा होना चाहिए? जी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत की गृह मंत्री ने गौतम नवलखा को अर्बन नक्सल के नाम पर अंदर बंद किया जी, और वो बंद हैं, साल भर से भी ज्यादा समय हो गया उनको। प्रशांत कनौजिया के साथ क्या किया इन्होंने, आप अगर देखेंगे तो दर्जनों लोग पत्रकारिता के नाम पर, मतलब पत्रकारिता करते हुए जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया और जेलों में ठूस दिए गए, उनके लिए कोई ट्वीट नहीं आया गृह मंत्री जी का, उनके लिए कोई जेपी नड्डा नहीं बोले, उनके लिए कोई और इमरजेंसी की बात नहीं की कि आपातकाल लागू हो गया, केवल इस व्यक्ति के बारे में आपातकाल शुरू हो गया आपको, क्योंकि ये आपकी भाषा में बोलता है, आपके उस प्रोपेगंडा को आगे बढ़ाता है, आपके उस घृणित एजेंडे को आगे बढ़ाता है जो हिंदू मुसलमान करके आप देश को लड़ाना चाहते हैं। दरअसल जो गिरफ्तार हुए हैं पत्रकार महोदय, वो कोई पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, वो एक पार्टी के और एक विचारधारा विशेष के एक ऐसे मानव द्रोही एजेंडे को आगे ले जा रहे थे और वो एक प्रवक्ता की भूमिका में थे, एक पार्टी की प्रवक्ता की, तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि उन पर जो हाथ डाला गया पुलिस का, इनको लग रहा है कि यह हाथ हम पर डाल दिया गया। ये कहीं का दर्द कहीं उठा वाला स्थिति है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी है और हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा इन तमाम घटनाओं के वजह से और उस पर होने वाली इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से। एक सबक तो मिलता है, एक सीखने का, एक समझने का अवसर भी मिलता है, एक मनन चिंतन करने का भी अवसर मिलता है, और अगर इस तरह से किया जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आप हमसे जुड़े और अपना समय देकर आपने बहुत सारी बातों के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जय भीम।